हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है न्यू ब्लॉग पे। तो आज हमारे घर में कुछ काम चल रहा है, वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बाद में हस्बैंड जी आपको डिटेल से बताएंगे। जियो का एयर फाइबर, जियो का एयर फाइबर लग रहा है, देखिए। कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे सीढ़ी लगा, वहाँ तो वही वाईफाई सिग्नल मिला, नहीं मिल रहा था। अरे उन लोग आया नहीं करने। तब इधर देखिए सब आए हैं भैया लोग, और यहाँ पर अभी लगाएंगे। तो हस्बैंड जी सीढ़ी लेके आ गए यहाँ पे। ऑटो के ऊपर करवा के वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। बाबू का करना है? इधर डेढ़ हो रहा, अभी इधर हो रहा घर तरफ। दादा घर में होगा, फिर ड्रिल तो नहीं हो रहा, ड्रिल दादा घर में होगा। तो अभी किचन साइड का काम हो गया, अभी इधर रूम में काम चल रहा है। और इतना कड़ा धूप था ना, लेकिन फिर भी ये भैया लोग कैसे काम करते हैं। इनका मतलब काम ही यही है धूप में, बहुत ही कड़ा धूप है, लेकिन पेट के लिए तो सब करना ही पड़ेगा। तो धूप में ही ये सारा कुछ काम किए, और अभी बाहर का सारा काम हो गया है, अंदर का है सेट उट सब कर दिए। तो वही अभी ये चेक करके देख रहे थे कि सब चीज़ चल रहा है या नहीं। तो सब चीज़ परफेक्ट हो गया था, बस यहाँ पे तार वगैरह थोड़े जो एक दो जगह छूट गए थे ना, वो सबको लगाना था। और हस्बैंड जी यहीं पे बैठे हुए हैं, देख रहे कैसे क्या मतलब सिस्टम है। और सब चीज़ ये मतलब सब सेटिंग वगैरह करके चले जाते हैं। और भैया लोग को भी मैं उस दिन प्रसाद दे देती हूँ, ये शिवरात्रि के दिन का है। और अभी हस्बैंड जी ना यहाँ पे मेरे झाड़ू में की तो एकदम पसंद नहीं आया, तो मैं बोली कि जाइए आप ही कीजिए। तो फिर वो कर रहे थे, तो मैं बोली कि वीडियो करना तो बनता है, तो वही हंस रहे थे वो। तो इनका ना मूड का ऊपर हुआ, अगर मूड हुआ इनका तो पूरा हेल्प करते हैं मेरे काम में, और मूड नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। और ये देखिए फाइनली यहाँ पे लग गया है मशीन। और उसके बाद आज तो बिल्कुल भी मुझे रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिला, और थोड़ा मेरा सर बहुत दर्द दे रहा था, तो आँख लग गई थी मेरा। और अभी काफ़ी शाम हो गया, 5:45 होने को है। फिर मुझे हस्बैंड जी ही जगाएं कि उठो शाम हो गया है, फास्टिंग वगैरह भी की थी ना, तो फिर बोले कि सोने देते हैं, बोल के 5:45 मुझे उठाएं। फिर मैंने उठ के देखा पूरा शाम हो गया है, तो आंगन में अभी तक झाड़ू नहीं लगा हुआ। मम्मी जी इधर मुर्गी वगैरह सबको अंदर कर रहे थे, सासू माँ उपवास नहीं है, वो शिवरात्रि अभी बहुत पहले से ही छोड़ दिए हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ लग जाती हूँ काम पे, और झाड़ू थोड़ा सा लगा लेती हूँ। और पूरा देखिए पिंडा वगैरह सब मैंने अल्पिना दिया हुआ था नहा के, मैं जो पहले पीस के रखी थी उसके बाद नहा के सब दुआरे सब में अल्पिना दी थी। तो अभी खाना भी बनाना है, लक्ष्य को फिर पढ़ाना है, मुझे सांझ बत्ती देना है, तो बहुत सारे काम हैं। और जल्दी जल्दी मैं सारा कुछ कर रही थी कि कहीं लेट ना हो जाए। खाना बनाने में तो लेट हो जाता है ना, फिर उधर बच्चे सोने लगते हैं तो मैं उन्हें पढ़ा नहीं पाती हूँ, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है थोड़ा। इसलिए मैं दोपहर में कोशिश करती हूँ नहीं सोने का। और किचन में यहाँ पर फिर मैं हाथ वगैरह धो के और सब्जी यहाँ पर बना रही हूँ। बाकी सब के लिए मशरूम एक डब्बा रखा हुआ था, तो आलू और टमाटर डाल के यहाँ पे मशरूम की मैं सब्जी बनाऊंगी। साथ ही सर में थोड़ा दर्द है मेरा, तो मैं यहाँ पे दूध वाला चाय बना रही हूँ, तेज़पत्ता और चीनी डाला है, चाय पत्ती, और थोड़ा सा चाय पीऊँगी गरम गरम, अच्छा लगेगा। और इसमें मैंने नमक डाल दिया सब्ज़ी में, और कुछ खास सब्ज़ी में यही नहीं यूज कर रही हूँ, बस वही जो मैं यूज करती हूँ पैरेट का सब्ज़ी मसाला। बाकी जो धनिया गोलकी जीरा आप अपने पसंद से डाल सकते हैं, मैं सिंपल सा ही सब्ज़ी बना रही हूँ, मसाला वगैरह मैं नहीं पीस रही हूँ यहाँ पर। तो सब्ज़ी को हम चढ़ा देते हैं होने के लिए, तब तक चलिए मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ,
दोपहर में मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक गिलास शरबत पी थी, नींबू शरबत, और जो प्रसाद नारियल था, नारियल केला, वही सब प्रसाद खाई थी थोड़ा सा। एक टाइम ही निर्जल उपवास में तो वही होता है, एक ही टाइम आप फलार कर सकते हैं, कुछ मीठा खा सकते हैं। तो एक ही बार सांझ बत्ती दे के फिर शाम में ही मैं अपना व्रत खोलूँगी, और उसके बाद चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा सा सर जो भारी भारी लग रहा था ना, वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, तो आटा मैंने रेडी कर लिया है और सब्जी हमारा हो गया है। आधा मैं यहाँ पर रोटी बनाऊँगी, हमारे घर में सिस्टम है, जैसे अगर मैं सोचूँगी ना पूड़ी बनाऊँगी तो सब नहीं खाएँगे, सबसे पहले तो हस्बैंड जी वो नहीं खाएंगे ज़्यादा, वो तेल का चीज़ खाने से, मीठा चीज़ खाने से उनका सर घूमता है, और उसके बाद में पापा जी भी अधिक तेल वाला चीज़ नहीं खाते मम्मी पापा, तो यहाँ पे मम्मी पापा के लिए आधे रोटी बनाऊंगी आधा पूड़ी मिक्स करके वो खाएंगे, और हस्बैंड जी पूड़ी बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मुझे अलग से रोटी बनाना पड़ेगा, तो इसलिए एक ही साथ ही मैंने आटा सान लिया है। तो दो हॉटपॉट में यहाँ पर रोटी कम्प्लीट है और पूड़ियाँ मैंने बेल के रख लिया है, फटाफट से हम अभी यहाँ पर पूड़ियाँ तलते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि हाँ एक ही में चलो हो गया आज पूरी हम बना लिए सब्जी बना लिए सब मैनेज कर लेंगे, नहीं होता ऐसा कुछ भी, सबको अलग ही चाहिए, खास करके हस्बैंड जी तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, भूखे सो जाएंगे, बट उनका पसंद का नहीं मिला तो नहीं खाएंगे। तो चलो भाई किसी को निराश नहीं करना है, हमें अपना ड्यूटी निभाते रहना है ना, तो इसलिए लगे रहती हूँ मैं। तो यहाँ पर आधा मैंने पूरी तला हुआ था, और मुझे याद आया कि हस्बैंड जी से मैंने दूध मंगाया हुआ था और अभी तक मैंने दूध को गर्म होने के लिए नहीं रखा, तो इसलिए मैंने साइड का चूल्हा खाली कर दिया, उसमें मैं थोड़ा सा दूध को गर्म कर लूँगी। पैकेट वाला दूध मैंने मंगाया जो फुल क्रीम दूध होता है, लेकिन यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैं पूरियाँ तल रही हूँ, तो उधर फिर पूरियाँ जल जा रही है। देखिए दो हाथ इधर उधर उधर कर रही हूँ, तो यहाँ पर हम दूध चढ़ा देते ताकि गर्म हो जाएगा, उसका मैं कुछ मीठा बनाऊँगी। और यहाँ पे ना मैं चूल्हा को फिर मैं जला रही थी, तो कई बार लाइटर ऐसा होता है, आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं, चूल्हा जल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो जाता है, और फिर मैं क्या की ना थोड़ी देर लाइटर को आगे के पास में रख दी, बड़े वाले चूल्हा के पास, तो थोड़ी देर बाद जब लाइटर गर्म हो जाएगी ना फिर आप इसे जलाइए, अगर आप गर्म नहीं करना चाहते धूप में भी आप रखिए, मैंने बहुत बार ये ट्रिक मतलब आजमाया है, धूप में रखिए थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद आप चालू कीजिए, नया लाइटर लेने का ज़रूरत नहीं है। मैं पहले क्या करती थी ना, नहीं जलता था तो नया लाइटर ले लेती थी, ऐसा ना करें, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए फिर आराम से ये जल जाती है। तो ये ट्रिक शायद किसी को काम पे आ जाए। यहाँ पे दूध गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया, पूरियाँ भी हमारी हो गई है, तो सेम कढ़ाई पर मैं बनाऊँगी यहाँ पर सेवई। तो ये जो कढ़ाई है ना, ये व्रत वाला कढ़ाई है, इसमें नॉनवेज वगैरह ऐसे प्याज लहसुन कुछ भी नहीं बनता है, ये मम्मी जी जब फास्टिंग करते थे ना तो इसलिए वो अलग ही, पूजा पाठ का सामान उनका सब अलग ही रहता है। आधा से अधिक तेल मैंने खाली कर दिया है और तेल में ही मैं बना रही हूँ सेवई, एक पैकेट, दो पैकेट यहाँ लाए हुए थे तो एक पैकेट ही मैं बनाऊँगी। तो दूध यहाँ गर्म है तो मैं ऐसे इस तरीके से बनाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे मुझे पसंद है। तो पहले मैं इसे क्या करती हूँ ना, पानी में थोड़ा सा उबाल लेती हूँ फ्राई करके, और मीठा स्वाद के अनुसार हम डाल देते हैं चीनी, और कंटिन्यू इसे मैं हाई फ्लेम पे अभी चलाते रहूँगी थोड़ी देर, ये आधा पक जाएगा उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे दूध में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जब हम दूध में डालेंगे ना तो गैस को हम बंद रखेंगे, नहीं दूध क्या होता है ना कई बार फट सा जाता है, गरम गरम दोनों एक चीज़ मिल जाते हैं, तो दूध हल्का सा ठंडा है यहाँ पे, तो सबको मैं डालने के बाद उसके बाद गैस का फ्लेम को ऑन करूँगी और इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और इधर रहा हमारा मशरूम का सब्जी, तो मीडियम फ्लेम पर जब तक हमारा सेवई बन रहा है तब तक मैं इधर बर्तन है पड़ा हुआ, सब बर्तन को अभी मुझे धोना है, किचन को क्लीन करना है। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, मैंने हस्बैंड जी बताएं, शायद आपको अच्छा से समझ में आया होगा, 5G जो लगा हुआ, तो काफ़ी टाइम से ये हमारी कोशिश थी, एक बार आए थे जमशेदपुर से दूसरे लोग भी, लेकिन वो बोले यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, बहुत ट्राई किए वो भी बट नहीं हो पाया। और ये अभी करीब 3 से 4 महीने के बाद फिर ये लोग दूसरे लोग आए हैं, तो ये बोले कि नहीं हो जाएगा काम, तो हस्बैंड जी का बहुत मतलब दिन का था ये, जो बोलते हैं ना खुशी, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए। यहाँ गाँव में बहुत प्रॉब्लम होता था नेट का बहुत ही ज़्यादा, और
काफ़ी हैप्पी है कि बहुत अच्छा सा चल रहा है। तो चलिए, इधर हमारा समय भी बन रहा है और मैं इधर काम में भी लगी हूँ। सारे बर्तन वासन को अभी समेटूँगी, अभी तक मैंने चेंज भी नहीं किया है। तो उससे पहले मैं अभी बीच में थोड़ा सा चली गई थी दिया बत्ती दिखाने के लिए, और फिर वापस आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे पता था रात होने ही वाली है। जो टाइम से मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था 7:30-8 तो होना ही है, तो इसलिए पहले ही दिया बत्ती मैंने दिखा दिया। और अभी सब सामान को यहाँ पर समेट के जाना है अभी रूम पे। लीजिए, आप सब भी मुंह मीठा कर लीजिए, और मेरा ये फास्टिंग का भी हो जाएगा और एक छोटी सी पार्टी भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं निकाल देती हूँ, मम्मी तो नहीं खाते हैं दूध से बना हुआ चीज़, तो पापा के लिए और थोड़ा सा पूड़ी। सब रहे, देखिए फाइनली हमारा 5G लग गया, और इनको दिखा दिए, ऑफिस भी नहीं गए, 5G मतलब लगने का खुशी में ये ऑफिस भी नहीं गया। देखिए अभी घर में ही ऑफिस हो गया, और नेट पहले नहीं चलता था ना, अभी बहुत मजा आ रहा, तुरंत तुरंत वीडियो भी अपलोड हो जा रहा, और ऐसे लग तो तुरंत टीवी में अपना मन पसंद कार्टून देख रहे थे। ये देखिए, ये वाला मेरा है, ये वाला भैया, मगर ड्राइंग भी बनाए। तो फाइनली, और आज हस्बैंड जी का मतलब क्या बोलेंगे, बहुत दिन से ये सोचे हुए थे, और एक बार आए भी थे और दूसरे लोग, लेकिन वो हुआ नहीं, और इस बार हो गया। तो 5G है ना, एयर फाइबर। जियो का एयर फाइबर है, जियो का एयर फाइबर है। और अभी जैसे होता था ना, इतना सारा मोबाइल में रिचार्ज कर करके हालत खराब हो जाता था, अभी जैसे बढ़ा हुआ है प्राइस इसका, तो बहुत हालत खराब हो जाता। तो फाइनली यहाँ पे लग गया है, इसी से अभी टीवी भी चलेगा, पापा का उधर भी टीवी चलेगा, मोबाइल चलेगा, और हमारे इधर भी ऑफिस भी चलेगा। बताइए, अब ऑफिस भी चलेगा, यहाँ पे मेरे को वो काम सिखाएंगे, है ना, काम सिखाइएगा ना, और फिर काम ऑफिस से जो भी काम होगा यहाँ पे लगा देंगे। बच्चे भी यहाँ पे कंप्यूटर भी सीख सकते हैं, तो वहाँ बगल में एक कंप्यूटर लगेगा, टेबल लगेगा, वहीं पर कंप्यूटर लगेगा, तो बच्चे घर पे ही सीखेंगे। नेट का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा, तो अभी फाइनली, अभी तो खुशी ही लग रहा है, जैसे नेट चला ना जिस स्पीड से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा, और अभी बीच बीच में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बस ऐसे ही धड़ाधड़ चलते रहे, क्योंकि जिंदगी में नेट नहीं तो कुछ नहीं, ये एहसास हो गया है। और अभी मैं भी सप्ते में 2 बार लाइव आ पाऊंगी। मैं सुबह गुस्सा कर रही थी इनको कि फालतू खर्चा इतना, देखिए किस उड़िया में बोल रहे हैं, बताइए हम इनको नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, हैं, एक ही तो जान है ना, तो हम ही ना इनको बोलेंगे, कोई दूसरा बोलेगा क्या, ये आते नहीं है वीडियो में, तो मुझे ज्यादा गुस्सा लगता है इसलिए। और आप लोग कमेंट करते हैं कि जीजू को लाते नहीं है ब्लॉग में, तो बताइए क्या करूं मैं, ये आना ही नहीं चाहते, तो बस मैं अपना ही लगे रहती हूँ। तो चलिए जी, थोड़ा सा नेट उठ बंद कीजिए, सुबह सब फास्टिंग है, खाएंगे नहीं, लेट है यहाँ पे, देखिए फाइनली लग गया, तो सब बहुत ज्यादा हैप्पी है। और अभी भी काम मेरा नहीं खत्म हुआ है, इतने सारे कपड़े हैं। और मेरा कॉल आ गया था, मैं भाभी से बात कर रही थी, सबसे बात घर से कॉल आता है ना 1 घंटा लग ही जाता है, तो मैं बच्चों को उसी बीच खाने देती थी, बच्चे खा लिए हैं, हस्बैंड जी का मैंने थाली निकाल दिया है, तो वो थोड़े से लेट में खाएंगे, तो बोले मुझे झाँप के रख देने, और इधर रहा मेरा थाली। तो चलिए, आप लोग भी आ जाइए, और कैसी लगी आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट, और मेरे मेहनत को देखते हुए सपोर्ट करना ना भूले। तो सुनीता मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग, तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा।